गाजियाबाद क्षेत्र में संदिग्ध अवस्था में पड़ा मिला घर से मजदूरी करने निकले युवक का शव, पुलिस मामले की जांच में जुटी। नजीबाबाद रोडवेज बस स्टेशन पर दिव्यांगों के लिए शुरू की गई व्हीलचेयर की सुविधा, परिवहन निगम की इस पहल से दिव्यांगों में खुशी की लहर। नजीबाबाद में पानी निकासी के विवाद को लेकर लोगों ने किया प्रधानपति का विरोध, पुलिस की सूझबूझ से विवाद टला। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार, अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें। जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कौन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरे पल, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें। अभी तक न्यूज चैनल। मेरा नाम नैना है, आज एक नए जीवन की शुरुआत करने जा रही हूँ। कुछ समय पहले मैं भेंगेपन के कारण निराश थी, लोग हंसते थे, जॉब नहीं मिलती थी, रिश्ता नहीं होता था, आत्मविश्वास तो जैसे खत्म ही हो गया था। थैंक्स टू डॉक्टर, इन्होंने मेरे भेंगेपन का ऑपरेशन करके मेरा जीवन ही बदल दिया। भेंगेपन का विदेशी यंत्रों द्वारा जांच एवं ऑपरेशन, कोई खाने पीने में परहेज नहीं, कोई काम काज में परहेज नहीं, बस एक छोटा सा ऑपरेशन, डॉक्टर के कुशल नेतृत्व में और तुरंत छुट्टी। जवाहर आंखों के अस्पताल में आधुनिक मशीनों द्वारा भेंगेपन का इलाज किया जाता है, जिसके बाद मरीज में खूबसूरती व आत्मविश्वास बढ़ जाता है। अगर आपके भी घर में कोई भेंगेपन की बीमारी से पीड़ित है तो तुरंत संपर्क करें जवाहर आंखों का अस्पताल, रोडवेज बस स्टैंड के सामने मेरठ कैंट। फोन नंबर 9837318131। चंदौसी के ग्राम आटा में ग्रामीणों ने नलकूपों की लाइन काटने वाले लाइनमैन को बनाया बंधक, लाइनमैन पर कई दिनों से लाइन काटने का लगाया आरोप। नजीबाबाद में किसान के गेहूं के खेत में लगी आग, आग लगने से लगभग 6 बीघा गेहूं जलकर राख। दिल्ली पौड़ी हाईवे पर बने बैराज पुल में दरार आने के कारण चिलचिलाती धूप में पैदल पुल पार करने को मजबूर राहगीर। धामपुर के पुष्प निकेतन स्कूल में किया गया इंटर स्कूल बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन।